हाँ जी, ये ऐसी आस्था ट्रेन पूरे देश भर में करीब 300 ट्रेन चलाई जा रही है। अनेक खुशी लगती है। जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद से देश के विभिन्न क्षेत्रों से अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन करने की राम भक्तों में अटूट इच्छा थी। उनके सफल और सुखद यात्रा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है जो IRCTC के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए खाने पीने की व्यवस्था है और चादरा कम्बल जो भी अन्य व्यवस्थाएँ हैं की जा रही है। खुशी की खास व्यवस्था है जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे और NFR से करीब 13 ट्रेनें चलेंगी यहाँ से। इसमें टोटल करीब 1300 पैसेंजर की व्यवस्था है, यात्री यात्रा कर सकते हैं इसमें। और विभिन्न स्टेशनों से इसमें पैसेंजर चल रहे हैं, जैसे सिलीगुड़ी से सबसे ज़्यादा करीब 800 के करीब पैसेंजर चल रहे हैं। आगे किशनगंज, पीछे जलपाईगुड़ी रोड और न्यू कुछ बिहार स्टेशन से लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो आज NCV से चल के आ रही थी तो आज यहाँ पे आई है। अगली ट्रेन जो है यहाँ पे 7 या 8 के बीच में खुलने की संभावना है। जो है स्पेशल ट्रेन है, जो कोई फिक्स ट्रेन नहीं कि हमेशा चलती ही रहेगी। अभी फिलहाल फरवरी महीने तक में और मार्च के फर्स्ट वीक तक में इसके चलने का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर जो पैसेंजर की डिमांड होगी उसके हिसाब से चलेगी। अभी तक का जो प्रोग्राम है केवल 1 महीने तक चलने का। IRCTC के वेबसाइट से या IRCTC पता कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और संघ विचार परिवार की तरफ से आज दिनांक 5 फरवरी को एक आस्था स्पेशल ट्रेन अलीपुरद्वार सुबह 11 बजे से रवाना होकर कुचबिहार, जलपाईगुड़ी और अभी NJP पहुंची है। ये ट्रेन किशनगंज और मालदा होते हुए कल संध्या अपने अयोध्या धाम में पहुंचेगी। उत्तर बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम की ओर से लगभग करीब 1650 राम भक्त इस ट्रेन के माध्यम से कल अयोध्या धाम पहुंचेंगे। अब परसों सूर्य नदी में स्नान कर हम लोग अपने आराध्य श्री राम जी के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में पहुंचेंगे। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर राम भक्त के ये सपना था कि उनके आराध्य 500 वर्ष और 76 युद्धों की लड़ाई के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा पुनः एक बार उनके जन्म स्थल पर हुई है। और इस जीवन काल में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये एक बहुत ही सुनहरा पल है जो हम लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसी आस्था ट्रेन पूरे देश भर में करीब 303 ट्रेन चलाई जा रही है। आज NJP से ये उत्तर बंगाल से पहली ट्रेन जा रही है। आने वाले दिनों में ये कई ट्रेनें जाएंगी। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं रेलवे अथॉरिटी का और IRCTC का, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रबंध किया है राम भक्तों के लिए। हम आपके माध्यम से सभी राम भक्तों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज हम लोग जिस तरह से आस्था स्पेशल के माध्यम से जा रहे हैं, आप अपने परिवार के इष्ट मित्रों के साथ आने वाले समय में अपने समय निकाल के शांतिपूर्वक परिवार के साथ अपने रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर पहुंचे। आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये तो टोटल मुझे पता नहीं है, जो कंडक्ट किए उन लोगों को मालूम है। हम तो छोटा सा भाग में से एक है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो अब इतने साल बाद उनका प्राण प्रतिष्ठा होता, हम दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग बहुत खुश है ना, ऐसा मौका मिला हम लोगों को। हम लोग बहुत खुश है, रामलला को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं हमारे प्रभुर कछे साक्षात करते 5 বছরের যে সংঘর্ষ সবাই করেছে আমাদের সনাতনী ভাইরা, আবার পুনরায় আমাদের রাম শ্রী প্রভু রামচন্দ্রজি সেই অযোধ্যায় এসেছেন, তারই সঙ্গে আমরা আজকে দেখা করতে যাচ্ছি। মোটামুটি 1800 মতো লোক যাচ্ছে আমার কাছে যেটা খবর আছে। খুশি বলতে সুনি মন মে রাম কো বসাও, মানে আমাদের মধ্যে যেরকম অযোধ্যায় রাম বসে আছে, আমি চাই সকলের মনে রাম বিরাজমান হোক। আজকে আমরা যাচ্ছি অযোধ্যা রাম মন্দির। আপনারা জানেন যে 22 তারিখ আমাদের মোদীজি আমাদের যে রাম মন্দির উদ্বোধন করেছেন, ওনার নেতৃত্বে হয়েছে এত সুন্দর দেশে একটা হিন্দুত্বর জন্য সনাতনী হয়ে আমরা। তাই আমাদের কর্তব্য সেখানে আমাদের যাওয়া, এবং সবাইকে আমি অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই যেন যান এবং অযোধ্যা দর্শন করে আসবেন। আজকে আমাদের NJP স্টেশন থেকে একটা স্পেশাল ট্রেন যাচ্ছে,
সেই ট্রেনে আমরা অযোধ্যা যাচ্ছি। খুবই উৎসাহ, কখন পৌঁছাবো, কখন অযোধ্যার মাটিতে পা দিব এরকম মনে হচ্ছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি টোটাল ট্রেনটা স্পেশালি আমাদের অযোধ্যা স্পেশাল আছে। আমরা গ্রুপে আমরা চারজন আছি, আমরা অযোধ্যা যাচ্ছি। আমাদের তো আমার গ্রুপের হিসেবেই যাচ্ছি, এখান থেকে আরও আমাদের টিম আছে ওদের থ্রু থেকেই যাচ্ছি। আমরা সবাই আছি মোটামুটি, আমরা যেখান থেকে আসছি ওখান থেকে 12 জন আসছি, আরও শিলিগুড়ি এরিয়া থেকে বহু জায়গা থেকে আসতেছে, ওরকম গ্রুপ গ্রুপ করে চলে আসতেছে। অনেক খুশি, অনেক অনেক খুশি লাগতেছে। আওয়ার যাওয়া হচ্ছে, প্রথম লটে আমরা যাচ্ছি, এখন মানে ট্রেন হয়েছে, এত খুশি লাগতেছে। এরপরে আসতে পারবো, যাইতে পারবো কি না, যাইতে তো পারবো, যাওয়া তো যাওয়ার জন্য সারা জীবন আছে, কিন্তু যে প্রথম লটে যাচ্ছি এটাই বহুত খুশি লাগতেছে আমাদের। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलगार्ड रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।